अगर ऐसा है तो तुम मत जाना वहाँ, मेरे पापा दारू के सख्त खिलाफ हैं। अगर ऐसा है तो तुम मत पीना, मैं झूठ बोलने के सख्त खिलाफ हूँ। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो रही है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वन बाय वन करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू कर। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, सुनने में आया है कि। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, सुनने में आया है कि वह एक नया घर खरीद लिया है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रूमर हैज इट डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जांपल देखिए। सुनने में आया है कि वह एक नया घर खरीद लिया है, क्या यह सच है? तो आप इसके लिए बना सकते हैं गाइस, Rumor has it that he has bought a new house. Is it true? Rumor has it that he has bought a new house. Is it true? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। सुनने में आया है कि तुम शादी कर रहे हो, क्या यह सच है? आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, Rumor has it that you are getting married. Is it true? Rumor has it that you are getting married. Is it true? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सख्त खिलाफ होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मेरे पापा लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एडवर्ब्स टू का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उनके सामने स्मोकिंग मत करना, वो स्मोकिंग के सख्त खिलाफ हैं। गाइस आप एडवाइस देते हुए आप किसी को बता रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट स्मोक इन फ्रंट ऑफ हिम, ही इज एडवर्स टू स्मोकिंग। डोंट स्मोक इन फ्रंट ऑफ हिम, ही इज एडवर्स टू स्मोकिंग। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। नहीं, मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं, वह शराब के सख्त खिलाफ हैं। मतलब कि शराब पीने के सख्त खिलाफ हैं। आप इसके लिए इंग्लिश में बोल सकते हैं, नो माई डैड डजंट ड्रिंक अल्कोहल, ही इज एडवर्स टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। नो माई डैड डजंट ड्रिंक अल्कोहल, ही इज एडवर्स टू ड्रिंकिंग अल्कोहल। आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा है तो। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ़ सो का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जांपल देखिए, मुझे तो पता भी नहीं था, अगर ऐसा है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई डेंट इवन नो, If so, why didn't you let me know? I didn't even know. If so, why didn't you let me know? आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जांपल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। अगर ऐसा है तो तुम कुछ मत बोलना, मैं उनसे बात कर लूँगा। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, If so, you don't say anything. I will talk to him. If so, you don't say anything. I will talk to him. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।